हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 7, टाइम गोज ऑन। अभी आप ओपन करोगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 102। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कैलेंडर 2018। तो हमको यहाँ पे 2018 का कैलेंडर दिया है। ओके, तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। विच आर दे, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, और एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, और एक मंथ में एटलीस्ट कितने वीक्स होते हैं, तो एक महीने के अंदर एटलीस्ट 4 वीक्स होते हैं। ओके, 4 वीक्स। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 103। अब पेज नंबर 103 पे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018। तो हमको जो नीचे सारे क्वेश्चंस दिए हैं वो हमको 2018 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। ओके, अभी हमने आगे जो पेज पे कैलेंडर देखा था ना 2018 का, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर्स लिखने हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, एक साल में कितने महीने होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, सी 12। ओके, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे 12 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। अब हमको ऐसे मंथ्स बताने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो देखो दिस इज कैलेंडर, अब हमको देखना है कि कौन से मंथ में 30 डेज आते हैं। तो अप्रैल में 30 डेज हैं, देन जून में, देन सितंबर में एंड नवंबर में। ओके, ये सारे मंथ्स में 30 डेज हैं, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। अब हमको ऐसे मंथ्स बताने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, तो वो कौन से मंथ्स हैं, तो वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये सारे मंथ्स में क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैव। तो 2018 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग फरवरी में 28 डेज हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 28 डेज। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक। तो कितने दिन मिलाकर एक वीक बनता है, तो आगे अभी मैंने डिस्कस किया कि 7 डेज मिलाकर एक वीक बनता है, तो हम वहां पे लिखेंगे 7 डेज। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। तो जुलाई में कितने वीक्स होते हैं, तो 2018 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग कितने वीक्स हैं, 4 वीक्स हैं। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। अब हमसे पूछा है क्या सारे मंथ्स में 4 वीक्स होते हैं, तो उसका आंसर आएगा यस। नाउ नेक्स्ट, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3। आप कौन से महीने में क्लास 3 में आते हैं, सो इसका आंसर हम लिखेंगे अप्रैल। ओके, नाउ नेक्स्ट, मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। अब हमको नीचे कुछ डेट्स दी गई हैं, 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर। आपको 2018 के कैलेंडर में जाके इन डेट्स को सर्कल कर देना है। ओके, और अब इसके नीचे लिखा है, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स। क्या इन दिनों में कुछ स्पेशल होता है, तो यस। 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे, तो उसके सामने हम लिखेंगे रिपब्लिक डे। 14 नवंबर को होता है चिल्ड्रंस डे, आपका फेवरेट, तो हम उसके सामने लिखेंगे चिल्ड्रंस डे। और 31 दिसंबर को होता है लास्ट डे ऑफ द ईयर। ओके, तो हम वहां पे लिखेंगे लास्ट डे ऑफ द ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अब हमको नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और हमको एक बॉक्स भी दिया है जिसमें कुछ ईयर्स लिखे हैं। नंबर 1, विच ईयर वॉज इट 2 ईयर्स बैक। तो अभी हमको 2018 के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने हैं। तो 2018 के अकॉर्डिंग 2 साल पहले कौन सा ईयर आएगा, तो 2 साल पहले क्या आएगा,
2016, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे 2016. ओके. नंबर टू, इन विच ईयर वर यू इन क्लास टू, तो 2018 के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है. 2018 में आप क्लास थ्री में हो, तो 2017 में आप होंगे क्लास टू में, तो आप वहां पे लिखोगे 2017. ओके. नाउ नंबर थ्री, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर, कौन सा ईयर नेक्स्ट ईयर होगा, तो 2018 के बाद क्या आता है, 2019, तो हम ब्लैंक पे लिखेंगे 2019. ओके. नाउ नंबर फोर, विच ईयर विल कम आफ्टर थ्री ईयर्स, तो 2018 के तीन साल बाद कौन सा ईयर आएगा. 18 के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे 2019, 2020, 2021, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे 2021. ओके. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. ओके.